गीता अर्जुन ने भी सुनी, गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी। अर्जुन ने जब सुनी तो अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया और उसको जीवन के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। धृतराष्ट्र ने भी वही एज इट इज वही डिट्टो सारे शब्द सुने। ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र को संजय जो है वो कुछ है ना स्किप करके बता रहा था कुछ श्लोक, नहीं एज इट इज सुनी है। लेकिन धृतराष्ट्र का मोह नष्ट नहीं हुआ, उसको विजय प्राप्त नहीं हुई, वो वहीं पर गिरे पड़े थे। अभी तक अंधे के अंधे, मतलब ऐसा श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो ना केवल दृष्टि से बल्कि बुद्धि से भी नेत्रहीन थे। उनको तो बुद्धि भी मतलब बुद्धि से विचार भी नहीं कर पाते थे और गीता सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको ये लगता था कि गीता कृष्ण किसके लिए बता रहे हैं? अर्जुन के लिए, तो अर्जुन को फॉलो करना है। आपको भी यदि ये लगेगा कि गीता अर्जुन के लिए है फिर माफ कीजिएगा, कुसूर गीता का नहीं है, कुसूर हमारी सोच का है कि उसे हमने अपने लिए समझा ही नहीं था। और दूसरा, यदि आप ये सोचते हो कि ये गीता मेरे कृष्ण ने मेरे लिए बताई है, तो फिर पक्का विश्वास कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जो बातें श्रीमद् भगवद गीता में बताने वाले हैं उनको सुनकर हम अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं।